आज का जो मुजाहरा है, एहतजाज है, वो मुल्क में बढ़ते हुए रेप केसेस के हवाले से हैं, जो गुज़िश्ता एक महीने से डेढ़ साल ढाई साल 8 महीने के बच्चियों के साथ रेप किया जाता है और उन्हें कत्ल किया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई हमारी लॉज नहीं है। हमारी लॉज में क्या बच्चों को कत्ल करना, रेप करना, ये सवाल हमारी क़िले अब्दुल्ला और क़िले सैफुल्ला के नौजवान हुकूमत वक्त से कर रहे हैं कि क्यों ये रेप किया जाता है बच्चों को और उसको कत्ल किया जाता है और कोई सज़ा नहीं मिलती, कोई मुलजिम पकड़ा नहीं जाता, अगर पकड़ा भी जाता है तो उसको ज़मानत पर रिहा किया जाता है। ये क्या सिलसिला है, हमारे नौजवान की आज के सवाल हैं। बलूचिस्तान की हालत नागुफ्ता बे है, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है बच्चों के साथ, खसूसन स्पेशली ख्वातीन के साथ, बच्चों के साथ। जितनी भी रेप केसेस गुज़िश्ता महीने 8 केसेस फाइल हुई हैं, किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। रिसेंटली शाहिना शाहीन का आप केस उठा के देख लें, शाहिना शाहीन के कातिल को अभी मेहराम गज की, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो हमारे आम बच्चे जो मासूम हैं, जिनको पता भी नहीं है, उनको कत्ल किया जाता, उनके साथ अपनी उनको हवस का निशाना बनाया जाता है और हमारे कानून सो रही है, हमारी हुकूमत सो रही है, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसको पकड़ना चाहिए और अगर पकड़ा भी जाए किस तरह सज़ा दी जाए। अफसोसनाक अमल तो यही है कि हमारी सूबाई लेवल पर या वफाकी लेवल पर जितने भी कवानीन बनते हैं उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कोई मुलजमान गिरफ़्तार नहीं होता। अलबत्ता जो कवानीन होते हैं आम शहरियों को तंग करने के लिए बनाया जाता है, जिनका असर व रसूख होता है उनको कोई गिरफ़्तारी नहीं होती, अगर गिरफ़्तारी भी होती है तो उनको पिछले दरवाजे से रिहा किया जाता है। मज़ाहरे की अपने एक दर्द, दिल का दर्द लेके आए हैं, खुदा की कसम वो हरकत, वो जगह, वो बच्चे के दरख्त के साथ लटकाना दे के मुझे दिल के से खून का आंसू आ रहा है। आपने उस जगह नहीं देखा, हालांकि मीडिया ने उसको कवरेज नहीं दिए, मगर ये है कि वो किला अब्दुल्ला एक पसमानदा ज़िला है, वहाँ से महमूद खान भी लेट कर रहे, बड़े बड़े लेडर लेट, मगर इतना पसमानदा है कि कोई पूछने वाला अभी तक नहीं है, न कोई अभी तक किसी ने आला हवाल किया, न इंसानी तंजीमें आए हैं, न हिंजो इदारे आए, किसी ने अभी तक वो नहीं किया। एक 8 साल का बच्चा वो मदरसे से निकलते हैं और एक बंदा उठाता है उसको और फिर उसको बाग में ले जाके उसके साथ बदतमीजी भी करता है और फिर दरख्त के सर लटकाता है। ऐसे ये आज अगर हमारे बच्चे के साथ हो जाता, आपके बच्चे के साथ हो जाता, इसके बच्चे के साथ, तो फिर क्या होता? हम लोगों ने बिल्कुल सोया हुआ है। इसके लिए हमारा ये मुतालिबा है कि सर हम फांसी होना चाहिए, चौक में फांसी होना चाहिए, जितना भी सख्त से सख्त सज़ा जो आइंदा। इमरान खान से ये रिक्वेस्ट है, आर्मी चीफ से ये रिक्वेस्ट है, चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट है कि इसके सोमोटो नोटिस ले जाए और इसके इबरतनाक सज़ा दी जाए कि पूरे पूरे मुल्क के लिए इसका इबरत हो जाए। मैंने